छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। रायपुर दक्षिण के विधायक रहे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है और प्रमुख पार्टी कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में यहां से पूर्व महापौर व पूर्व सांसद सुनील सोनी को खड़ा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने छात्र नेता आकाश शर्मा पर दांव खेला है। आकाश शर्मा NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और युवा चेहरा भी, लेकिन ये कोई कॉलेज का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है, जहाँ से भाजपा कभी नहीं हारी। बीते 8 चुनावों में यहाँ से एक ही उम्मीदवार और एक ही पार्टी विजय पाती रही है, इसलिए इस सीट को भाजपा का अभेद किला भी कहा जाता है, जिसे पिछले 25 वर्षों में किसी ने नहीं भेद सका। यहां से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिनमें पारस चोपड़ा, स्वरूप चंद जैन, राजकमल सिंघानिया, किरण मई नायक, योगेश तिवारी, कन्हैया लाल अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास जैसे नाम शामिल हैं। इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी थोड़ा कमजोर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव का नतीजा ही तय करेगा कि अब तक दक्षिण की जनता किसी एक चेहरे पर विश्वास जताती रही या फिर किसी एक पार्टी विशेष पर। इधर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां उम्मीदवारों के नामों में कमी न होने की बात कही, वहीं युवा चेहरे के मैदान में उतरने से पार्टी को फायदा होने की बात कही। कि भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा पे दांव लगाई है, वो चेहरा निष्क्रिय चेहरा है और कांग्रेस ने एक युवा चेहरा पर दांव लगाया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, हमारे पास दक्षिण विधानसभा में चेहरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए किसी को प्रत्याशी बनाना आसान काम भी नहीं था, बहुत कठिन काम था। एक से एक नाम, एक से एक दावेदार, इतने मजबूत दावेदार, लेकिन प्रत्याशी तो कोई एक ही हो सकता है, इसलिए आलाकमान को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी थी। आलाकमान ने जो निर्णय किया, प्रत्याशी बनाया, वो हम लोगों के लिए शर्मान है। लेकिन आकाश शर्मा बेदाग, निर्विरोध, निर्विवाद और मजबूत चेहरा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। आने वाला समय ये युवा छत्तीसगढ़ है, आने वाला समय छत्तीसगढ़ में युवाओं का राज रहेगा और छत्तीसगढ़ में युवा ही क्रांति ला सकते हैं। ये हो सकता है, इन भावनाओं के साथ युवाओं को मौका मिला है और मैं समझता हूँ इस समय दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, दमदारी के साथ लड़ेगी और इस समय पूरी तरह दक्षिण विधानसभा का हम जीतने के लिए लड़ेंगे और दक्षिण विधानसभा का इस समय 34 साल का इतिहास हम बदलेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए अभी सिर्फ वायनाड में ही चुनाव है, पार्टी के सभी नेता वही नजर आएंगे। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह चुनाव लड़ रही है, वो है वायनाड में। वायनाड में उन्होंने 3 महीने पहले राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ प्रत्याशी घोषित कर दिया था। भूपेश बघेल जी भी उसकी रैली वैली नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से लेकर, सोनिया गांधी जी से लेकर खड़गे जी जब वहाँ से फ्री हो जाएंगे, तब सोचेंगे या जानेंगे कि देश के किसी हिस्से में और चुनाव हो रहा है। बहरहाल आकाश शर्मा के साथ युवाओं की भीड़ होना लाजमी है, लेकिन उपचुनाव में अक्सर सत्ताधारी पार्टी का ही उम्मीदवार जीत के करीब होता है, लेकिन इस बार भाजपा के सामने भी पुश्तैनी सीट की साख बचाए रखने की चुनौती हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण के रण में आखिर बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश TV।